बेतिया राजपुर में ये लोग बेच के चल गए। अच्छा खैर कौन बात रख, इतना दोस्त दोस्त होते हम लोग इनको हमारे प्रोग्राम में डिस्टर्ब दी गोटे दे के कमा ना दी बेकार ना कुछ कुछ गोटे दे दी। हाँ ये पैसा जो देवत रही हमार सार लगे ला। जब हमार सार लगे तो रउआ लोग इनके सारे लगे हेलो इनाम देना है तो बाद में दीजिएगा, प्रोग्राम में डिस्टर्ब ना कीजिए दोस्तों, अस्थिर बैठिए। जब है यही तरह के इंडियन प्लेट आदमी इंडियन प्लेट, हाँ इंडियन प्लेट रहे बूढ़ बूढ़ पुरानिए रहे लगल बुढ़ऊ सोचे दे है चार पाँच गो बुढ़ऊ के लैसा रहे सोच रहे बबू रे नेपाल में आंदोलन के चलते मिलल बो पचास टकिए दियो हमार भाई तोहरा कौनो मौगा से संगत होके के चाहिए भाई तो रुपये दे दे दो कर भोड़ुआ से संगत होके आज जे वो 100 गो रुपये जे हमरा के दे दे लोग तो रात भर ओकरा के हुरू आइ दे रहे हो धो लेवे तो हमरा धो धोड़ में नेपाल तक के बा। ए भाई ए जी एही तरह जना इंडियन प्लेट आदमी रहले तनका साउंड वो घसकाओ बाबू तनका साउंड वो घास का दो कर रही जब फाट जाई हो भाई सारवा का बेटा कहने गई अरे जानू का हो भाजी ना है सारा बुआ से कुछ कुछ को रहे दो ना तो टीम भी लागी करे। हाँ इंडियन प्लेट आदमी रह कहता है नेपाल में जाता नहीं, नेपाल के लोग गरीब हो गई है, नेपाल में आंदोलन भइल तनका कम कर देना तो टी व्यू कर देना, नेपाल के लोग गरीब हो गई धनी हो गई चल तनी 5 रुपये के ब्याज पर नेपाल में पैसा बाटे वो बुढ़ऊ रहले कहा के यूपी साइड के बेतिया इले बस के टिकट कटोले चार घंटे में बस रक्सौल पहुंच गई, रक्सौल बस स्टैंड में बुढ़ऊ उतर तो कहीं तले रिक्शा वाला टेम्पो को बदल है पिलन 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 बुढ़ऊ बन रहा बाप का भोंसड़ी वाला खाली सारवा बीरे गंज को हतर से कौन नेपाल नहीं सब को हम सर वही जे इंडियन पॉलिटिक्स वाला खड़ी आई रहे वो बीच में छोड़ को कथा ए नेपाल 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 हां बुढ़ो को तो पा ये नेपाल घुमाई रिक्शा को लगा सड़क लगा फेर रिक्शा नेपाल का रुपया में घुमा देबो तो रिक्शा वाला के भेजे चटक गई तो होता नेपाल घुमा घुमा तब तो सात गो खानदान है उन्होंने अब तो बेरे को पोनी को छोड़ी के तरह ये रिक्शा वाला कहता है 7 रुपये लगे 7 गो बुढ़ो 7 रुपये दला रिक्शा में बैठ गई है रक्सौल बस स्टैंड से रिक्शा खुल गई धीरे 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 रक्सौल रेलवे लाइन खुल गई हेला बाद रक्सौल खानसार में जाता पुल पर कल रिक्शा में मैंने डोकर गई मारा ना पुवैया हवा बुढ़ो मर्दानी कुर्ता पहन ले एगो मर्दानी को घुट है ना एगो मर्दानी का घुट है बुढ़ो का बाड़ा का चुकू बाई जा यह लगभग 3.5 किलो खाली रहे शायद नेपाल के लोग के देखावे जाता तो ले रिक्शा धीरे 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 पीरगंज थानसार में हल्का हाँ धीरे हाँ तो पीरगंज थानसार में तो ले वही जब प्रहरी भाई नेपाली पुलिस खड़े रहते हैं कि नुको गए हाय 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 पक पक पक
आ प्रहरी भाई चेकिन में अब तो रोमा रिक्शुआ उघार उघार देख लेता लोग तले बुढ़ऊ के सामानों पर नजर चल रहा देहातिया पुलिस रहता तो बुझ जाता है इहो पहाड़िया भाई रहल है पहाड़िया पुलिस तो नीचियर बहु खानी लोग उबो कर रहा है इन्हें उन्हें देखते हैं बुढ़ऊ के सामानों में है तरक फिर प्रहरी भाई देख ले अब देख फिर सरिया के पहाड़ी देखा तेरा पहाड़ी है भाई बुरा मानची काहे ने फोने मैं ले सोते की जो क्या है बुरा होगा तेरे सौर ये बाय जानू हो पहाड़ी देखा तेरा अम्मा मम्मा 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 तीनी हेरे चाहिए फांसा छो तीनी बाजार मेरे घूम छो मैं ले सोते को पहले देख रखे छो बुरा होगा तेरा पुरान हो पहाड़ी ना पुरानी हो धनाया हो फांसार करो नू पर जो इसको पलेट नंबर को पलट पलट के बारे में हमारे बाबू जाने ले हम भांसा तंसार ना करें हिन 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 मुझे तो जान छते था हिन ए भाई देखी ना जाए कब हमरा केनन गोवर्धन ए भाई ए हेलो सर नमस्कार ए सर नमस्कार होई सुनिए हम सर बोलते तो सर्व कर जाओ काय भाई ससुर जी कलंक है गोवर्धन ना पहाड़ के ना गोवर्धन ना पहाड़ हई ना मिलल तो तार का पार फार तंगे रे एक भी से ना पूछे चल तनी बढ़िया आदमी से पूछे छिपा के दिल बनल रहे रोड तू अपना बाप का बनो ले बनो अरे इंडियन प्लेट है कि नेपाली प्लेट आके सारवा विदेश आके करी हो गई बा ए एकरे से पूछे दो पूछे दे एकरे से हो बुझाता ही भोजपुरी आदमी बा भोजपुरी भाषा गोवर्धन ना पहाड़ जाए के बा ई बारिश के मौसम में रास्ता गड़बड़ा गइल बा तन का बताऊं तो चाचा चाचा हो ए चाचा नूनू ए नूनू ए लाला ओए भोसड़ी वाला सारा बने के समझत रे ओ कौले जिया नहीं कहा हिंदी बुझ हुई हिंदी भाषा पूछ दे ओ भाई साहब आप हमें नहीं पहचानते हैं कि दरअसल नेपाल से चलकर आए हैं गोवर्धन पहाड़ को जाना है रास्ता थोड़ा मिस्टेक हो चुका है बता सकते हैं क्यों सार्वभौम बीमारी उठा होना पड़ता है।